तो यार सबसे पहले बाहर का मौसम देखते हैं, बारिश हो रही है। बहुत तेज बारिश हो रही है, बड़े दिनों बाद ऐसी तेज बारिश हुई है। तो इसको क्लोज करते हैं और फिर जो है आज के टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है हमारा जॉब से रिलेटेड। जो भी जॉब इंटरव्यू टाइम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो इस वीडियो को क्रिएट करने का पर्पस यही है कि जो भी जॉब से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जब आप फ्रेशर हो, तो जो भी फ्रेशर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब की बात करेंगे। अगेन ये वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा जो है यूज़फुल होने वाली है, और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको शायद ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप जो है अपना टाइम बचा सकते हो और इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत सी पर्सनल डिटेल देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप अपना नाम बताते हो, फिर आप अपने फैमिली में कितने लोग हैं, मेंबर्स हैं, कितने ब्रदर सिस्टर हैं वो बताने लगते हो, फिर जो फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, वो सब बहुत सी चीज़ें जो हैं अननेसेसरी चीज़ें हैं, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। एज अ इंटरव्यूअर अगर मैं बोलूँ तो मुझे उन चीज़ों की बिल्कुल एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल नॉन यूज़फुल है मेरे लिए, क्योंकि आप यहाँ पर जो आप इंटरव्यू देने आए हो वो इंटरव्यू जो है आप अपने स्किल के बेसिस पे देने आए हो, तो जो भी आपको कॉन्वर्सेशन रखना है वो अपने स्किल्स से रिलेटेड ही रखना है। तो जब आपको बोला जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने बारे में एक या दो लाइनर का इंट्रोडक्शन दो, आप बताओ कि आपका नाम बता सकते हो, ऑब्वियसली आपने कहाँ से, कौन से यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है वो बता सकते हो। उसके अलावा जो है अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, जैसे कि मे बी यू आर अ सॉकर प्लेयर या आपको यू लाइक क्रिकेट, ये बताओ जस्ट इट, आई मीन दो तीन लाइन का इंट्रोडक्टरी वो दो, एंड दैट्स इनफ, बिकॉज जो आपको सिर्फ अपनी लाइकिंग्स बतानी है। लेकिन इसके अलावा लेट्स से अगर आपने आप कोडिंग में बहुत ही कुछ आपने अचीव कर रखना है, सो यू कैन टेल ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। अगर आपने कुछ आप वॉलंटरी कोई चीज़ें करते हो, यू कैन टेल ऑल दीज थिंग्स, बट टॉकिंग अबाउट यूर फैमिली एंड ऑल आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड एंड इट्स नॉन रेलिवेंट। अब बात करते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ अगेन जरूरी नहीं है कि यही सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अगेन ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, और मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो सर्च कर रहा था, तो वीडियो में मेरे को कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हैं वो यूट्यूब पे ऑलरेडी मिला है। तो इसमें जो वीडियो बनाई है बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, और ये है एलिशा क्रिस चैनल के नाम पे, तो वीडियो अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैं बताना चाहूँगा जो आप चेंज कर सकते हो और उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई हायर यू, इसका आंसर सुनते हैं। एज अ फ्रेशर आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, एज अ स्टूडेंट आई लर्न थिंग्स थियोरेटिकली बट आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्लीमेंट देम इन अ प्रैक्टिकल वे, इफ यू विल हायर मी आई विल डू माय बेस्ट। अब ये जो आंसर है ये काफी डिप्लोमेटिक टाइप का आंसर लग रहा है कि ठीक है, एक 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 रटी रटाई लाइन है जिसको आपने बोल दिया, और मोस्ट प्रोबेबली हर स्टूडेंट जो है यही चीज बोलता होगा। तो व्हाई शुड आई हायर यू में बेसिकली वो बंदा आपसे पूछ रहा है कि उसे क्यों, आप जो है वो आपको क्यों हायर करे। अगेन इस टाइम पे जो है आपको जो स्किल सेट आप अपने दिखाने हैं, और वो जो स्किल सेट है वो जॉब प्रोफाइल से कितने मैच करते हैं उसके बेसिस पे बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर जावा प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू है, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाई शुड आई हायर यू, और आप ये वाली लाइन बोलते हो दैट यू आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑल दिस, इट इज ओके टू सम एक्सटेंट, बट आई विल से कि आप जो है इसमें जो आंसर दो वो ये दो कि यू आर गुड इन जावा, या व्हाट यू हैव डन इन जावा, अगर आपने कोई हैकाथॉन किया है जावा में तो आप उसकी डिटेल दे सकते हो, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जावा में तो आप उसकी डिटेल दे सकते हो, आप बता सकते हो कि आपका जो स्किल लेवल है जावा में बहुत अच्छा है और जो कि कंपनी को बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो आई थिंक बेसिकली जो आई थिंक आप कहने का ऑब्जेक्टिव समझ गए होगे कि जो आपके स्किल सेट है उसको रिलेट करो जो जॉब प्रोफाइल है उससे, और वो कैसे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करेगी, आप कैसे हेल्प कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में बताओ। आई थिंक ये जो लाइन है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई विल डू माई बेस्ट, ऑल दिस, जो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इस जॉब की ज़रूरत है और आपने जो रिसर्च वगैरह बिल्कुल नहीं की है। अगर आपने रिसर्च की होती तो अपने स्किल सेट के बारे में बताते। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। ओके, इस टाइप पे जो चीज़ें ओपन एंडेड क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है कि डू यू वर्क अंडर प्रेशर,
ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू से कि जो आप है अंडर प्रेशर काम कर सकते हो, या अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में भी आप कामली जो है अपना जो टास्क कर सकते हो। ठीक है, जब आप एक्चुअली काम कर रहे होते हो रियल वर्क और रियल लाइफ एनवायरनमेंट में, उसमें ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो वैसी नहीं होती है जैसा कि आप डे वन पे एक्सपेक्ट करते हो। जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर कोई जो है बहुत ही कामली आपसे बात करेगा, बहुत ही प्रोफेशनली वे में बात करेगा, तो 99% केसेस में प्रोफेशनली ही सब बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी केसेस में हो सकता है कि जैसे क्लाइंट जो है इज़ नॉट हैप्पी विद यू, तो क्या आप जो है उस चीज़ को कामली लोगे, पॉजिटिव वे में लोगे और परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इंटरव्यू देखना चाहता है और इसीलिए वो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसका आंसर जो है आपको ऑब्वियसली यही देना है कि आप जो पॉजिटिवली परफॉर्म करोगे यू विल बी काम अंडर प्रेशर सिचुएशन। और अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपका जो स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, या जो प्रीवियस अगर आपने जो जॉब वगैरह कुछ की है या इंटर्नशिप किया है उस टाइम की, अगर कोई आपके पास एग्जाम्पल है दैट यू परफॉर्म्ड वेल ड्यूरिंग प्रेशर और अंडर प्रेशर, तो वो जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हो इंटरव्यूअर को, ही विल बी वेरी हैप्पी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है कि क्या आप वीकेंड वगैरह पे काम करोगे। तो अगेन जो वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है मोस्टली आईटी में वो मंडे टू फ्राइडे रहता है, लेकिन इंटरव्यूअर कहीं ना कहीं आपसे पूछना चाहता है कि अगर जैसे सैटरडे संडे को आपको काम करना पड़े, सिचुएशन ऐसी आ गई, तो क्या आप काम करोगे। तो सबसे पहले समझते हैं वो आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। उसका जो ये जो क्वेश्चन पूछने का कारण ये है कि जैसे अगर आप जो है उस प्रोजेक्ट में एक ऐसे बंदे हो जो जावा पे काम कर रहे हो, और जैसे आपने मंडे टू फ्राइडे आपने काम किया, सैटरडे को ऑब्वियसली सैटरडे संडे को आपकी छुट्टी है, लेकिन सडनली सैटरडे को जो है प्रोडक्शन इशू आ गया, तो क्या आप उस दिन कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की या प्रोजेक्ट की हेल्प करोगे उस इशू को सॉर्ट आउट करने में, या आप बोलोगे नहीं यार मैं तो मेरा तो आज ऑफ डे है मैं काम नहीं कर सकता। तो कंपनी को ऐसे बंदों की जरूरत होती है जो कि ओनरशिप ले, ठीक है, जो कंपनी को अपनी कंपनी समझे, कंपनी की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझे। ठीक है, तो इस टाइप के जो लोग हैं वो ज़्यादा सक्सीड होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यही होता है कि वो ओनरशिप चेक करना चाहते हैं कि आप कितनी ओनरशिप लेते हो किसी इशू की या किसी प्रोजेक्ट की या ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज की। ठीक है, तो इसमें आपको जो अगेन जो जवाब देना है बहुत ही पॉजिटिव जवाब देना है, और अगेन आपको ये बताना है कि आप जो पूरी ओनरशिप दिखाओगे जब भी आप कोई काम करोगे और कोई इशू आता है, यू विल ओन इट अंटिल यू फिक्स द इशू। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, जब तक आप उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर देते हो तब तक आप रिलैक्स नहीं होते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली चीज़ें जो हैं आपको दिखानी है इंटरव्यू में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि अगेन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताओ। अगेन जो मोस्टली लोग हैं कि स्ट्रेंथ में ऑब्वियसली अपना स्किल सेट बताते हैं कि हाँ मैं जावा में अच्छा हूँ, जैसे अगर वो जावा प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू दे रहा है, और वीकनेसेस में यूजुअली बोला जाता है कि आप ऐसी चीज बताओ विच इज ह्यूमरस दिस एंड दैट ऑल दोस थिंग। लेकिन आई थिंक अगेन ये सब जो है ये शायद चलते होंगे 15-20 साल पहले, लेकिन आज की डेट में अगर आप बोलते हो कि जो बिस्किट मेरी वीकनेस है या चॉकलेट मेरा वीकनेस है, तो ट्रस्ट मी इट इज इंटरव्यूअर जो है दिन में 100 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेता होगा जब मास रिक्रूटमेंट होती है, और वो हर बंदे से यही जो है आंसर सुनता है। आई थिंक इट इज़ वेरी बोरिंग फॉर हीम एज वेल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपके अगर वीकनेस है रियल वीकनेस बताओ यार। अगर आप एज अ जावा प्रोग्रामर हो एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आल्सो वांट टू ग्रो योरसेल्फ इन लेट्स से एसक्यूएल, ठीक है, आप जो है डेटाबेस रिलेटेड भी कुछ चीजें सीखना चाहते हो लेकिन आपने उतना काम नहीं किया, सो यू कैन टेल दिस थिंग कि ठीक है यू वॉन्ट टू लर्न अदर देन जावा, यू वॉन्ट टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज एज वेल एंड यू हैव नॉट बीन गेटिंग टाइम टू वर्क ऑन दैट, और प्रॉब्ली जो है उसमें आप थोड़ा वीक हो, दैट इज योर वीकनेस। ओके, सो ट्राई टू कीप इट, आई थिंक मेरे हिसाब से ट्राई टू कीप इट बिट प्रोफेशनल, और जो आपकी अगेन जो जॉब प्रोफाइल या उन चीज़ों से रिलेटेड है वही रखने की कोशिश करो, दैट विल बी बेटर बिकॉज इंटरव्यूअर इज लीस्ट बॉदर्ड कि यार आपको चाहे कि आपकी वीकनेस है ऑल दिस। आई थिंक दीज आर ओल्ड थिंग्स, आज के ज़माने में ये सब नहीं चलती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन जो है आज की डेट में भी अगर पूछे जाते हैं तो क्यों पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिकली आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो आई थिंक जितना भी जो भी आपने ऑलरेडी रिसर्च वगैरह किया होगा हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क पे वो आप बता सकते हो, लेकिन जो आंसर है वो सिर्फ ऐसा आंसर रखो जो बेसिकली रियल लाइफ एग्जाम्पल से हो। ठीक है, कोई उसमें जो स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक लाइन है वो बोलने की जरूरत नहीं है,
अगर आप रियल में कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हो, या कोई वर्क से रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हो, या कोई ऑटोमेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके बॉस ने आपको काम दिया है, ठीक है, उसने आपको, जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे उसने आपको, मेरे पास फाइल्स हैं, ठीक है, वो इमेज फाइल्स हैं, उसका डेटा आपको टाइप करने के लिए दिया है. अगेन यू कैन डू इट मैनुअली, दैट इज प्रॉब्ली आई विल से हार्ड वर्क, कि आप उसको कर सकते हो एक हफ्ते में मैनुअली. और प्रॉब्ली यू कैन, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, यू कैन यूज और टेक हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग. यू कैन रीड दोज वर्ड्स थ्रू प्रोग्रामिंग एंड यू कैन टाइप इट. दैट विल बी प्रॉब्ली अ स्मार्ट वर्क. अगेन यू विल बी वेस्टिंग, और प्रॉब्ली आई विल से यू विल बी इन्वेस्टिंग योर वन डे टू क्रिएट दैट प्रोग्राम, एंड प्रॉब्ली ऑन फर्स्ट डे यू विल नॉट बी एबल टू शो एनी यू नो एनी एफिशियंसी और एनी आउटपुट. लेकिन जो आपका नेक्स्ट डे जब आप प्रोग्राम को चलाओगे, यू विल बी एबल टू फिनिश ऑल द वर्क विच वॉज सपोज टू बी डन इन 1 वीक. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज यू हैव शोन योर स्मार्टनेस दैट दिस वर्क कैन बी डन थ्रू दिस प्रोग्राम एज वेल रादर देन डूइंग मैनुअली, और जो है आप उसको अचीव करते हो. ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग इफ यू शो, आई थिंक इट इज गोइंग टू यू नो रियली इंटरव्यू रियली इज गोइंग टू सी कि हाँ यार, इस बंदे को बहुत सी चीजें आती हैं और वो बहुत इंप्रेस होने वाला है. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? अगेन इसका बहुत से स्टैंडर्ड आंसर है, जैसे कि कॉन्फिडेंस इज दैट आई एम सेइंग दैट आई कैन डू इट. ओवर कॉन्फिडेंस इज दैट आई एम सेइंग दैट ओनली आई कैन डू इट. अगेन आई थिंक दिस इज ओके इफ यू वॉन्ट टू से इट, लेकिन अगेन एवरी वन इज सेइंग दिस, सो इट गेट्स बोरिंग. सो ट्राई टू गिव सम रियल एग्जाम्पल ऑफ वट इज कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. ओके, जो भी आपको लगता है, अगेन इसका मैं कोई स्पेसिफिक सेट आंसर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जो भी आपको लगता है यार, वट इज कॉन्फिडेंस एंड वट इज ओवर कॉन्फिडेंट. सो अगर लेट्स से अगर मेरे को एग्जाम्पल देना ही हो, तो एक चीज जो है कि अगर मेरे को बोले कि मेरा इंटरव्यू टुमारो है, ठीक है, और मैं बोलूँ कि हाँ यार, मैं तो अपने इंटरव्यू में मतलब मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं आज सो जाता हूँ और अगले दिन इंटरव्यू में जाता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस से, तो वो बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि आप जो है अचीव कर ही लोगे. अगर कॉन्फिडेंस जो तब होता कि अगर आप बोलते हो कि हाँ यार, मैं जो है आई नो टुमारो इज इंटरव्यू, और मैं मुझे पता है मैं कॉन्फिडेंटली उसको क्लियर कर लूंगा, लेकिन फिर भी आप जो है उसके बारे में रिसर्च करते हो, जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में रिसर्च करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करते हो, और चीजों को जानने की कोशिश करते हो, दैट इज योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, यू नो यू कैन क्लियर द इंटरव्यू, बट स्टिल यू आर सर्चिंग और एक्सप्लोरिंग और यू आर ट्राइंग टू नो द थिंग्स जो कि आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है. ठीक है, तो इस टाइप के अगर आप जो आंसर दोगे कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में, इट इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल. अगेन आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल, तो आप इसको और भी डिफरेंट टाइप के जो है एग्जाम्पल्स बना सकते हो, लेकिन डोंट स्टिक विद अ स्टैंडर्ड आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाई यू वांट टू वर्क विद दिस कंपनी. सो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप इंटरव्यू देने गए हो टीसीएस में, ही इज गोइंग टू आस्क यू व्हाई यू वांट टू वर्क विद टीसीएस. तो अगेन जो आपको आंसर देना है, आप ये नहीं कह सकते कि यार टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, दिस एंड दैट, एवरीवन नोज इट. आई मीन जो टॉप 10 कंपनीज हैं, एवरीवन नोज दैट वी आर द बेस्ट कंपनीज और वी आर द टॉप 10 कंपनीज. लेकिन जो ही इज इंटरेस्टेड इन कि यार आपका जो जॉब प्रोफाइल है, फॉर एग्जाम्पल जावा प्रोग्रामर की जॉब है, आप जावा प्रोग्रामर के लिए इंटरव्यू देने गए हो, तो ही इज इंटरेस्टेड कि आपने ये जो प्रोफाइल है इसको कितना एक्सप्लोर किया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या आपने रिसर्च किया कि ये जो जावा प्रोफाइल का अगर कोई बंदा टीसीएस में है, तो क्या आप लिंक्डइन पे जाके आपने उसे उसे बात करने की कोशिश की है कि जावा प्रोग्रामर का क्या स्कोप रहता है, क्या करियर रहता है टीसीएस में, और क्या आप उससे इम्प्रेस हुए हो? एंड इफ यू आर इम्प्रेस्ड, डू यू थिंक कि हाँ ये करियर पाथ आपको चूज करना चाहिए? अगर येस तो ये सब चीजें बेसिकली आपको बतानी है कि यू हैव हर्ड जो जो भी वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड कि जो करियर पाथ है जावा डिवेलपर्स का टीसीएस में वो बहुत अच्छा है, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी दी जाती है. यू गॉटन इन टच विद सम ऑफ द एक्स टीसीएस एम्प्लॉयज और करेंट टीसीएस एम्प्लॉयज थ्रू लिंक्डइन, और एंड यू गॉट दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच यू थिंक इज गुड फॉर योर करियर एंड पर्सनली एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो इस टाइप के जो जवाब हैं वो काफ़ी इम्प्रेस करते हैं इंटरव्यूअर्स को, रादर देन की ओल्ड बोरिंग जो जवाब आप देते हो. ठीक है, तो अगेन आई थिंक इस जो जो भी हमने बात की है वो कॉमनली 6-7 क्वेश्चंस की ही की है, और काफ़ी जो टेक्निकल इंटरव्यू में हो सकते हैं आपसे काफ़ी टेक्निकल चीज़ें पूछी जाएंगी. अगर आप पाइथन प्रोग्रामर हो तो पाइथन से रिलेटेड, जावा के प्रोग्रामर हो तो जावा से रिलेटेड, या जो भी आपका स्किल सेट है
ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उन सब के बारे में बात नहीं की है, सिर्फ जो है जनरल चीज़ों के बारे में बात की है कि ये अगर जो आप जो एक स्टैंडर्ड आंसर है या जो बोरिंग आंसर है, उन आंसर को ये नए वाले आंसर से रिप्लेस कर सकते हो, तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगेन अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो होपफुली आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आती है और इस टाइप की वीडियो पसंद आती है, कोई क्वेश्चन है जो कि आप चाहते हो कि फ्यूचर में उस पर वीडियो बनाओ, तो वो सब भी कमेंट सेक्शन बताओ। और ये वीडियो जो है जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनसे शेयर करो। आई वॉन्ट कि ये चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ सके, और स्पेशली जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं वो इन चैनल से जुड़ सके, ताकि जो जो भी उनके क्वेश्चन है या जो भी उनको एक रहता है कि हाँ यार कंपनीज बड़ी कंपनीज में काम कैसे होता है, तो वो सब चीज़ें जो है मैं उनसे शेयर कर सकूं। तो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।